राजस्थान युवा बहुउद्देशीय विकास संघ के अध्यक्ष और जिला युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता युवा सामाजिक कार्यकर्ता अनुप कोहले शहीद बाबूराव शेडमेक माध्यमिक विद्यालय आमगांव चामोशी तालुका में और जीपी उच्च प्राथमिक सेंट्रल स्कूल का दौरा किया और विभिन्न विषयों पर छात्रों के साथ बातचीत की और छात्रों को कौशल विकास के संदर्भ में मार्गदर्शन किया और छात्रों को नोटबुक वितरित की। अनुप कोहले ने छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि यह प्रतिस्पर्धा का योग है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हर छात्र को खेल साहित्य लेखन जैसी विभिन्न कलाओं को सीखना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, तभी इस प्रतिस्पर्धा युग में हम अपना अस्तित्व बना पाएंगे। इस अवसर पर बी शेड में एक मध्य विद्यालय की प्राचार्य अनिल गंगड्डीवार, जीपी स्कूल के प्रधानाचार्य अहिलावार, सुनील बंद्रे, पुरुषोत्तम गुंडूले, सुवेंदु मंडल, नरेंद्र चितमलवार, अनिल निमजे, किशोर पोहनकर, चंदू सतपुते, सुरेश किलजारकर, रुचिता भंडावर, कविता पुण्य पक्कर, निशा रामगुंडे, श्रुति मोटकुरवार और लीलाधर दूधा बाले, तिरुपति एस, इससे पूर्व सूरज मुंगेलवार, युवा सामाजिक कार्यकर्ता राजू सोमणकर, आशीष भांडेकर उपस्थित थे। गढ़चिरौली से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।